स्टार्ट नहीं किया था।
पे जो है वो हमें दुबई पहुँचाया, और अभी हम B8 पे बैठे हुए हैं। वैसे हमारा B4 है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सीट्स जो हैं वो रेस्ट के लिए अच्छी थी, तो हम यहाँ पे आ गए हूँ। अभी अगला हमारा सफ़र जो है वो 11 घंटे बाद स्टार्ट होगा, और हम जाएंगे दुबई से बिश्केक। और आपको मैं थोड़ा बहुत गाइड भी करता रहूँगा कि किस तरह आपने लाहौर से या फैसलाबाद से किस तरह न्यू स्टूडेंट्स ने या ट्रैवल करना है। मैंने आज अपना व्लॉग जो है वो पाकिस्तान से स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे आज टाइम ही नहीं मिला। सेम टाइम पे 4 फ्लाइट्स पाकिस्तान से फ्लाई कर रही थी, टेक ऑफ कर रही थी, तो मैंने कहा यार दुबई पहुँच के व्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो स्टूडेंट्स को जिन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाना है वो 2 दिन पहले करवाएं, मिसाल के तौर पर 18 को फ्लाइट है वो 16 को करवाएं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो वो जो है ईजीली ना किसी किस्म का मसला नहीं होगा। थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, थोड़ा सा हट के सी है, सीनियर हट के है कि आपको जो कोरोना का टेस्ट करवाना है उसकी 2-3 फोटोकॉपीज अपने पास रखनी है। जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका ई वीज़ा ओके टू बोर्ड करवाएं, ओके टू बोर्ड की 2-3 कॉपीज अपने पास रखें वीज़े की, तो फिर उन्हें किसी किस्म का मसला नहीं होगा, ना इधर पाकिस्तान में और ना ही दुबई में, ना ही बिश्केक में। परमिशन लेटर जिन स्टूडेंट्स के पास है वैलन रोड, जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है तो वो अपनी यूनिवर्सिटी से परमिशन लेटर बनवा लें, उसी तक किर्गिस्तान पूछा जाए। अभी तक मैं यहाँ पे मुझे नहीं पता कि पूछते हैं या नहीं पूछते, अगर पूछा मैं किर्गिस्तान एयरपोर्ट पर पहुँच के आपको बता दूँगा। मनास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है किर्गिस्तान का, वहाँ पर हमें जाना है। उसामा भी मेरे साथ है, इधर इनामुल्ला, हम तीनों बंदे फिलहाल यहाँ पे, और हमें अभी तक तो बंदा कोई बिश्केक का नज़र नहीं आ रहा जो बिश्केक ट्रैवल कर रहे चारों, लेकिन फ्लाइट भाई अभी वो तो लैंड किया दुबई में, अगर बोल सकता कुछ स्टूडेंट्स हों आई डोंट नो अबाउट इट। तो ये थोड़ा सा सिलसिला था, मिलते हैं फिर आपको किर्गिस्तान जाके, ठीक है। अभी थोड़ी थकावट हुई है यार।